वालों ने क्या हालचाल पेश करते हैं कि आप खैरियत से होकर मत दुआ कि आप हमेशा खुश रहे हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखा। मेरा नाम मौलवी मैं हूँ तारिक मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी लड़कियों को पब्लिक पुलापी वो मेरी आंख। भारत में कन्या को पूजा जाता है सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है या वो बाजावरी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहाँ पर इतनी खवातीन है उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजार हो। क्योंकि इंडिया में औरतों को देवी माना जाता है, देवी की पूजा करते हैं। क्या इसका कनेक्शन इस अगर हम रिलेट करें तो सिचुएशन के साथ बनता है? मेरे जवाब में उन्होंने जवाब दिया ना उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है। और डॉक्टर साहब के रवैये के ऊपर भी बातचीत हो रही है। नाज़रीन इस सिलसिले में डॉक्टर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है। साहब फिर राजपुर मुंह से साहब निकल गया। आपने मना भी मुझे किया था कि साहब नहीं बोलना। तो बयान के बाद से जाकिर का पाकिस्तान में विरोध तेज हो गया है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे स्टेज से उतरने पर सोशल मीडिया में मुझ पर तनकीद हुई जिस पर मुझे शदीद ताजुब हुआ। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया। ऐसे इंसान से लोग भागते हैं यहाँ पर क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई कि इस इंसान के अंदर भाई कॉमन सेंस है भी कि नहीं। इससे पहले इंडिया नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अच्छी तादाद में खवातीन मौजूद है। बिकाऊ माल है मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा बड़े फखर से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा पर है। यात्रा का मकसद जाकिर नाइक के जरिए भारत पर निशाना साधना था लेकिन हो इसे उलट रहा है। अब जाकिर से इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे। उसने पाकिस्तान में कई बयान ऐसे दे दिए हैं जिसे लेकर लोगों का नजरिया उसके प्रति बदल चुका है। सोशल मीडिया पर इस कारण वह ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग अब उन्हें वापिस भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शादी ना करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया जिसके बाद जाकिर नाइक पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया। कई पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा जाकिर नाइक को डिपोर्ट करो। कई लोगों ने सवाल किया कि आखिर जाकिर नाइक को कहां भेजा जाए। वहीं कई भारतीय यूजर्स ने जवाब में कहा कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में ही रखना चाहिए। जाकिर नाइक मलेशिया में रहता है। पिछले सप्ताह उसने लगभग एक महीने लंबी यात्रा शुरू की थी और अब वह अजीबोगरीब बयान देकर इंटरनेट पर ट्रोल हो रहा है। जाकिर नाइक ने एक और वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। उन्होंने क्या बात की? बड़ी सीरियस बात है। शोशा है जो शुरली उन्होंने छोड़ी। जो शुरली नहीं सर, मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी। एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया? एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है? चार की क्यों है? और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ही ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इन्फीरियर दिखाया गया, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है? इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई? आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है? आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक का दो एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो।
पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके, यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस ले, आप ये क्या बात करें, मैं आपको सुनवा देती हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, ये देखिए आपका नाम और आपका पेशा। I'm a student of matric. My name is Hamna Habib. तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमन को इंफीरियर क्यों कहा गया है जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं तो ऐसा क्यों? एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर नहीं करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है या वो बाजावरी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लव मेरे पास है। जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं, बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फखर से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जाकिर नायक खुद तो ये वाले अल्फाज जो इस्तेमाल करें लड़की के लिए वो इससे भी ज्यादा बदतर है, जो मैंने अभी ये कहा कि बकवास या मुंह तोड़ना जो उन्होंने लड़की को कह दिया, अनमैरिड लड़की को। जहां तक डॉक्टर नायक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके, और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको ब्लैक निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से ब्लैक लिस्ट हुए हैं या निकाला गया है उसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं धन धनाते अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो स्टेट के अंदर जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसको सामने रख के, तो ये इस तरीके से उनके जितने कंट्राडिक्शन थे और जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं, ये सारी बहसें मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, क्या कंप्रोमाइज़ है, क्या हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके हैं। वीडियो खत्म हो गई भाई, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो झिझोड़ देने वाले होते हैं लेकिन कभी कभी लोगों की समझने में भी दिक्कत हो जाती है, ये भी चीज़ है जी। कहने का मतलब अलग होता है और लोग जो इसको अलग तरीके से ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। असल गलत अगर देखा जाए तो जिस तरह जाकिर नायक बात कर रहे थे वो तो यही कह रहे थे कि साफ जा रहे भाई शादी के साथ भाई साहब सेक्स भी होता है, इसमें कोई दोरी राय नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे बोलते हैं जज्बात। तो अगर साफ जा रहे भाई साहब के अगर अगर ऐसा है एक साथ की बात है कई कंट्री में भाई मर्द ज्यादा है टीम में कम है, ये भी चीज है पता को है जो है औरतें ज्यादा हैं खवातीन की तादाद बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है,
आपको अपनी एक लेकिन आने वाले चंद सालों में खवातीन की तादाद बढ़ जाएगी। हमारे 53% मेरी बात सुन, ये झंडे किस तरह हो रही है नहीं पाकिस्तान में 35% जो औरतें हैं ना जो लेक्चरर बैंकर या खासकर जो डॉक्टर्स हैं 100 में से कितनी 35% औरतें शादी नहीं करती बैठी क्यों वो अपने स्टेटस को स्टैंडर्ड के पीछे होती है। सबसे बड़ा अहमियत तुम्हारा जी आपको भी सर्च करके देखिए अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अबव बंदा चाहिए ये हकीकत है एक मर्द डॉक्टर जो वो अनपढ़ से शादी कर लेगा भाई मैं एक पढ़ी लिखी औरत मुझे किसी अनपढ़ बंदे के साथ जिंदगी गुजार बहुत ही शर्मनाक बात नहीं है। एक प्रोफेसर लेवल का एक लेक्चरर एक हाई क्लास का डॉक्टर वो भी एक अनपढ़ औरत से हमारे गांव में जिंदगी बसर कर रहे हैं अच्छे से गुजार लेकिन कोई एक खतून बता दीजिए मुझे वेल सेटल्ड खतून बताओ जिसने की हो एक बताओ अपने इलाके में गांव में कहना ये सेटल्ड नहीं है हां जी कुछ चल रहा है बाकी बाकी वो मैडम साहिबा जो बात कर रही थी ना इसने दो सवाल किए थे ये कराची में प्रोग्राम हो रहा था उसने पहले एक मिनट उसने पहले ही बोल दिया कि आपके बच्चों जो भी आपने सवाल करना लेकिन इस वीडियो में तो नहीं दिखाया गया कि उन्होंने उसको डांटा हो नहीं दिखाया नहीं है उसको उनको समझ नहीं आ रही उसने उसने कहा बेटा मुझे आपके सवाल की समझ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है ना या सवालों के जवाब दिए पहले जाकर नायक जितना मैंने सुना उसने कहा वक्त कम है एक एक सवाल पहले इसमें सब करें मैं आपको जवाब दूंगा इससे आगे जो डिबेट हो रही है उसके ऊपर मैं जाकर नायक को छोड़ो ये जो सारे उंगलियां उठा रहे हैं उस बच्ची के सवाल का जवाब तुम लोग दो तुम भी तो मुसलमान हो बिल्कुल तुम भी तो इस्लामी तालीमात को फॉलो करते हो पढ़े लिखे आलिया जी आप दें जवाब डॉक्टर कमर चीमा साहब ने इस बात का जवाब आप भी तो मुस्लिम है इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से जानते हैं अगर अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है वो पैदा करने वाला है वो जानता है बेशक वही क्रिएटर है ना उसने औरतों को भी पैदा किया मर्दों को भी पैदा किया दोनों की खासियत को जानता है अगर ऐसा ना अगर सारे बराबरी क्यों तो गुजारा ही नहीं चलता और सर हमारा इशू ये है नजीमा साहब भी मैडम आलिया की बात कर रही मैंने ये अपना जाती फील किया हमारा इशू ये है कि हम जो स्टैंडर्ड को में और स्टेटस को में हमारी औरतें पढ़ गई है हमारा बहुत बड़ा आने वाले जनरेशन हमारे चिल्ड्रन हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा लेकिन बस ये हिट कर रहे हैं अब इतना बड़ा अच्छा उनका कहने का मकसद पता क्या था जो शादी कर रहे जो लड़कियां शादी कर रहे नहीं नहीं भाई बात यह है कि जो शादियां लड़की कर उसका कहने का मतलब ये होगा भाई कि जो लड़कियां शादी कर लेंगी वो तो हो जाएंगी से मतलब शादी कर ली वो तो लग ही खाते बाकियों की भाई तो जो 45 लाख है उनकी वो बता रहा था ऑप्शन कह रहे ऑप्शन ऑप्शन नहीं बचेगा तो साहब कह रहे कि भाई किसी इंसान की सेक्स जो है वो जरूरत है चाहे मर्द है चाहे औरत बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया में सेक्स नहीं करते लेकिन ये जरूरत है तो अगर वो शादी नहीं कर सकते उनके पास ऑप्शन ही नहीं तो वो कहीं ना कहीं तो जरूरत पूरी करेंगे होता है और जब वो जरूरत पूरी करेंगे तो वो फिर उसको क्या बोलेंगे मैं कहता हूँ कोई भी धर्म हो ना वो कौन से अल्फाज होंगे वो आप लोग ही बता दीजिएगा कि हम उस औरत के लिए इस्तेमाल एक औरत होगा उसका कोई मतलब पक्का ठिकाना नहीं वर्डिंग भाई साहब गलत हो सकता है अमेरिका में हो क्या रहा यार इस बात पूरी कर लेने के बाद समझ आ जाए वर्डिंग ये भाई साहब अगर एक औरत कहने का हक नहीं बनता लेकिन वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जगह जगह पे मुंह मारे तो लोग उसको क्या कहेंगे आप ही अपनी वर्डिंग बता मर्दों को क्या कहेंगे चलो खवातीन को छोड़ बिल्कुल ऐसा ही है जो एक ऐसा मर्द है जगह जगह मुंह मारता है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके लिए आप कौन से अल्फाज अगर पैसे दे दे के करता हो तो फिर आज देख ले पूरी दुनिया में
ये कोटे को पाकिस्तान में भी है। बिल्कुल है, हीरा मंडी सबसे बड़ी मिसाल है भाई जी, हिंदुस्तान में भी है, हमारे इस्लामिक कंट्री तो है, तो सबसे बड़ी है। तो दो लेडीज जो है वो पैसे लेकर वो सेक्स करती है, सेक्स वर्कर जिसे बोलते हैं, तो उसको भाई क्या बोलोगे? बाकी भाई इसका मतलब जो हाँ ये चीज है कि हर जो कुंवारी औरत है वो बाजारू भी नहीं होती। ये जो है ना डॉक्टर जागरण की गलती है कि हर जो कुंवारी औरत है वो बाजारू नहीं होती, जो भाई साहब नहीं होती, ये भी एक सच्चाई है। बाकी जो भाई अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए या पैसों के लिए इधर उधर मुंह मारती है वो बेदारू हैं भी, पैसे लेके जो करती हैं वो बंदे भी बेदार, बंदे भी हैं, मरते औरतें भी हैं। बाकी भाई जो इसका मतलब बिल्कुल कतई नहीं है बनता कि जो एक कुंवारी औरत है उसकी शादी नहीं है तो वो गलत है, बहुत अच्छी खतूनें भी होती। लेकिन ये तारक साहब यहाँ पर ऑप्शन की बात की गई कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप एक ऐसे मर्द की बीवी बन सकती है जो ऑलरेडी उसकी एक बीवी है ऑप्शन के तौर पर है। हाँ, अब मुझे आपकी बात भी समझ आ रही है, अब ऑप्शन तो ऑप्शन के तौर पर। और भाई साहब इस्लाम में यह निकाह जो होता है ना वो औरत की मर्जी से होता है। हाँ जी, कोई जबर वो कोई जबरदस्ती औरत की मर्जी, तीन मर्तबा अगर एक मर्तबा भी वो ना कह दे तो निकाह नहीं होता है, नहीं होता वो ना बोलते भाई। उमर भाई अब देखो ना मुआशरे में कोई सिंगल मिल ही नहीं रहा है, ऐसे ही है तो फिर आपकी मजबूरी बन गई। हाँ आप ये कह सकते हैं कि जो अच्छा अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हालांकि मैं तो शादीशुदा हूँ, उमर भाई की कर लेते हैं, ये कुंवारे हैं, अब इसको कोई बंदा रिश्ता दे ही नहीं रहा है, इसके पास एक ऑप्शन है तलाक याफ्ता लड़की की, तो ये उसको ये कह के रिजेक्ट कर दे कि ये जी तलाक याफ्ता, हालांकि इसको मौका मिल रहा है। शादी तो भाई दोनों तरह से बंदे का दिल मानना चाहिए, अगर वो एग्री है तो फिर ही होती शादी, इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। बाकी भाई जो वर्डिंग है ना डॉक्टर जाकर ने कि एक और भी प्रॉब्लम है कि वो कई दफा ना वो उर्दू में कमजोर है, उन्होंने आते ही कहा बताया भी है। तो ठीक है भाई अपनी ना रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।